नमस्कार दोस्तों, नेपाल की ताकत को भारत ने भी अब जान लिया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल को बनाया गया है फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। आपको बता दें कि भारत की पहल के तहत गठबंधन में इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें नेपाल के ऊर्जा मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेट ने भारत के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को गठबंधन के साथ नेपाल को संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का उल्लेख करते हुए एक पत्र दिया है। और आखिर क्यों भारत नेपाल को इसका एक संस्थापक सदस्य बना रहा है, इसके पीछे छुपा है नेपाल की कड़ी मेहनत। क्योंकि नेपाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सका था। स्थानीय समुदायों, सुरक्षा एजेंसियों और संरक्षण भागीदारी के साथ साझेदारी में काम करने वाली नेपाल की सरकार बाघों की आबादी को 2010 में 121 से 2022 में 335 तक पहुंचा दी, जो कि अपने आप में चौंका देने वाला मूव था। नेपाल ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहले बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल भी किया, जिसके चलते नेपाल को इसमें एक बहुत बड़ी महारत हासिल हुई है। और दुनिया के कई सारे देश स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कैसे इन चीजों को करना है वो नेपाल से सीखना चाहते हैं। और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जेगुआर और प्यूमा जैसे 7 बड़े बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य में गठबंधन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भारत ने गठबंधन के लिए 100 मिलियन की गारंटीकृत निधि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। तो ये दोनों ही देशों के बीच में एक बड़ी साझेदारी है जो कि होने वाली है, और ये होगी नेचर को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर। और नेपाल के लिए नेचर की जितनी बात करो उतनी कम है। तो आपको कैसी लगी ये अपडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि नेपाल को इसमें भारत का साथ देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जरूर दीजिएगा। साथ ही इसके अलावा आपको कोई और क्षेत्र पता है जिसमें नेपाल और ज्यादा आगे बढ़ चुका है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाना जरूर चाहेंगे। धन्यवाद। NI News।